आज जब सुबह सुबह उठ के मुझे ऐसा लग रहा था देख के पूरा, मतलब बाहर इतना तगड़ा धूप है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि सूरज मामा ना एकदम खिड़की से अंदर आ गए हैं, उतना ही ज़्यादा गर्मी है। हैदराबाद का जो गर्मी है ना वो कोलकाता से एकदम डिफरेंट है। कोलकाता में बहुत ज़्यादा वो स्वेटिंग होता है, इधर होता है स्वेटिंग, पहले तो नहीं होता था, अभी स्वेटिंग भी होता है पर थोड़ा कम होता है, पर ये ना चुभने वाला गर्मी है। और ऐसा फील होता है कि जब भी आप बाहर जाते हो ना कुछ गर्म हवा जैसे लगता है, और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, और ड्राई हो जाता है बहुत। हम लोग विंटर में ड्राई होता है ना कोलकाता पर, बट यहाँ पर ना इतना ड्राई होता है ना, आपको गर्मी में भी ना ऑयल वगैरह मॉइस्चराइज़र वगैरह ज़्यादा लगानी पड़ती है। सो फिलहाल मुझे खाने का तो मन नहीं, मतलब बनाने का तो मन नहीं है, पर बनाना तो है खाना। सोच रही हूँ मैं 2 दिन का एक साथ बना दूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी में ना एवरीडे खाना बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है मैंगो जो थोड़ा सा सूख गया है, क्योंकि ये श्रीशैलम जाने से पहले मैं लेके आई थी, और ये मेरा जो इन्फेक्शन हो गया था ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो जलने के बाद वो काफ़ी हद तक रेडनेस जो है ना कम हो गया है दवाई की वजह से। 2 वीक्स लगेगा जाने में। क्या क्या अजीब अजीब मुझे मतलब होता है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसा किसका होता है यार? मेरी आई में आपको पता है इन्फेक्शन हो गया था, आई लैशेस पे, पता नहीं मुझे सब अजीब अजीब होता है डिजीजेस। तो क्या है, हाँ ये बनाने वाली हूँ मैं, इसको बॉयल करना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड निचोर, मतलब रॉ जैक्सी। तो मैंगो का खट्टा मीठा दाल जो है ना बन के रेडी है, बॉयल पोटैटो हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अनियन, थोड़ा सा बादाम, और आई नो आप लोग बादाम नहीं बोलते, आप लोग पीनट बोलते, पर हम लोग बंगाली में इसको बादाम बोलते हैं। और एक सूखी लाल मिर्च को हल्का सा ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद इतना सारा पोटैटो नहीं दूंगी, कल मैंने मुझे डोसा बनानी है, उसके लिए आलू की स्टफिंग जो है ना एक साथ मैंने रेडी करके रखा है, इसीलिए ज़्यादा आलू बॉयल कर लिया है। इसमें से आधा सा इसमें डाल के थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी, और दाल को मैं दोनों कटोरी में डिस्ट्रीब्यूट करके रखती हूँ। और किचन मेरा पूरा फैल गया है, और इधर पे देखो इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया यार, इसको भी बॉयल करूँगी। तो मेरा सब्ज़ी बनके रेडी है, रॉ जैकफ्रूट की सब्ज़ी। इधर राइस भी बना चुकी हूँ, उधर वॉशिंग हो गया है, काउंटर को क्लीन कर लिया है, बस थोड़े इधर उधर की चीज़ें। ओ मुझे डोसा बनानी है कल, तो इसके लिए मुझे अभी दाल भी करना है, भूल ही गई थी मैं। हाय गाइस, कल ना मैंने खाना वाना फुल बनाया, उसके बाद अचानक से ना मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया। मैं उठ नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था, ऐसे पेट फूल रहा था, एसिडिटी फील हो रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। आई थिंक गर्मी के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है अचानक से, और बिल्कुल भी हवा नहीं आता है, तो ऐसा घुटन सा फील होता है। अनिर्बान को उल्टी भी हो गया था, तो अनिर्बान को कुछ भी उल्टी वगैरह ये सब होता है ना, तो मुझे फिर से डर लगने लगता है कि अरे कुछ हो नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना रिसेंटली उसको ऐसा हुआ था, तो मेरे माइंड में वही चलता रहता है कि उसको कुछ ना हो। तो डॉक्टर सर ने एक बात बोली थी, मैं आपके साथ भी वो शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लूज़ मोशन, सर्दी, खांसी, थोड़ा सा एसिडिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है विदाउट एनी रीज़न, आपको पता भी नहीं है शायद कौन सा वाला रीज़न, पर हो सकता है कॉमन है। तो एक दो बार ऐसा होने पे ही डॉक्टर दिखाने के लिए जाना नहीं चाहिए, और इसको ज़्यादा इग्नोर करना चाहिए, ज़्यादा आपको उसको भाव नहीं देना चाहिए, अरे हो रहा है और ज़्यादा होगा। अगर आप ज़्यादा भाव देंगे तो ज़्यादा बॉडी में वो सब बढ़ने लगेगा। एक दो बार होता है तो उसको इग्नोर करो, अगर रिपीटेडली हो रहा है तो ही डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने ही ये बोला था। तो ठीक हो गया है अभी, आई थिंक गर्मी इतना ज़्यादा ना, लू लग गया हम दोनों को, इसीलिए ऐसा हुआ। तो बैड न्यूज़ इज़ कि सुबह उठ के हम लोग अभी जा रहे हैं मेट्रो कैश एंड कैरी शॉपिंग करने, ग्रोसरीज़ वगैरह। नहीं ये बैड न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ ये है कि मैंने नोटिस किया कि गाड़ी के नीचे थोड़ा सा ऑयल था, तो पता नहीं है वो केयर टेकर ने लगाया कि क्या हो, मतलब ये हो सकता है, हमको सिखाया था ट्रेनिंग के टाइम पे ड्राइविंग के कि कार के नीचे अगर कभी भी ऑयल दिखे तो हो सकता है कि वो ब्रेक ऑयल या तो कहीं से इंजन ऑयल या ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है।
तो रिसेंटली सर्विसिंग की है। हाँ हाँ रिसेंटली सर्विसिंग की, आपको पता है 2 दिन पहले। तो इसीलिए अभी अनिर्बन बोल रहे नहीं रिस्क नहीं लेंगे, पहले चलो सर्विस सेंटर दिखा के आते हैं कि उधर से कुछ हमको उतना समझ में तो नहीं आएगा, उसके बाद हम मेट्रो कैश इन कर ही चलेंगे। बट आई होप कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता समझ में तो नहीं आता, समझ में नहीं आया, हो सकता है केयर टेकर की वजह से नहीं, पर ना होने के चांसेस भी ज्यादा है। हाँ, गाड़ी का होने का जिस तरह से था ना, वो गाड़ी का चांसेस ज्यादा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। ऑर्डर कर रहा है पिज्जा, कब खाओगे ये? ब्रेकफास्ट तो खा के आए हैं, कभी ना कभी खाई ले। अरे भाई देख इकड़े गरम करते माइक्रोवेव तो नहीं, डबल डेकर चॉकलेट जो है डबल लेकर गरम करबो। अरे तुम ही तो सीखी छे। अरे ओटा तो चॉकलेट शालिक पाखी ना, ये तो बड़ो पाखी आसे। क्या क्या सब देखो ढूंढ रहा है, क्या है ये? आइसक्रीम केक है, चॉको मोचा आइसक्रीम केक। नाउ बैड लक की तो एक मतलब हद पार हो जाती है हम लोगों की कभी कभी। तो क्या हुआ, हम लोग जाने वाले थे नेक्सा सर्विस सेंटर, तो हम जाने वाले थे कोंडापुर वाला ब्रांच पे, तो उधर पे एक्चुअली कुछ मेट्रो या तो कुछ फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो वो जो रोड है ना नेक्सा के सामने वो वन वे हो गया है अभी, तो हम जा नहीं सकते, उधर से घूम के आना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो पहले मेट्रो से होके आते हैं फिर हम जाएंगे कार सर्विसिंग के लिए। तो फिलहाल हम लोग खाएंगे अभी पिज्ज़ा। लास्ट डे पे आपको याद है कि पता नहीं हम लोग आए थे मेट्रो कैश इन करी और पसंद भी किया था, ये खाएंगे वो खाएंगे, उस टाइम पिज्ज़ा नहीं दिखा था हमें पर कुछ और दिखा था, पर खाने का बहुत मन था, पर हम निकल गए कैसे कैसे करके, मुझे पता नहीं था कि कब लेना है। हाँ, पहले लेना है या बाद में लेना है, वो कंफ्यूजन में हो गया लेना, तो अभी आज तो लिए है, देखते है। छिड़े जाती क्या रे, छिड़ीस ना बाबू, नहीं बोले खुल जाए ना, रोक पाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा पिज्जा है, मतलब कैसा पिज्जा है, पिज्जा टाइप का दिखने में नहीं, ये चौको पिज्जा है। ये सच में पिज्जा है। हाँ ये चौको पिज्जा। ऐसे ही दे दो हाथ में, एक काम करो पहले तुम खा लो बाद में मैं खाऊंगा। नहीं दो है, दो प्लेट है ना पिज्जा में। ओके वो खुलता है, खुलेगा, आई खुले जा बाबा, बाबा जीवन खुल ऐसे। एक बात बताता हूँ,
आज आटा के साथ एक मसाला फ्री में मिला था, तो गरम मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला। तो इधर पे ना एक एक चीज है कि जो फ्री वाला जो होता है उसका अलग से काउंटर होता है, तो हम लोग ने क्या किया खाली उसी को देखे थे। बाद में बिल भरने के टाइम मैंने पूछा देखो तो और एक बार और कुछ फ्री भी है क्या, तो उसने बहुत सारा फ्री निकाले, बहुत सारा चम्मच। तो क्या होता है कि जब एक के साथ दूसरा फ्री मिल जाता है ना तो ज्यादा अच्छा। ये सब बातें बंद करो, खाना खाओ, बहुत अच्छा है। अरे अच्छा है, और कितना कम प्राइस में देते हैं यहाँ पे खाना, बहुत कम प्राइस, 79 में इतना बड़ा सा पिज्जा देते हैं। डेस्टिनेशन रिक्शा, जो जाने की बिल्कुल मन नहीं है पर जाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों भावना में आ गई हूँ मैं पिज्जा खा के, बहुत दिन बाद खाया ना, क्योंकि ऑपरेशन के और कोरोना के चक्कर पे ना कुछ खाना नहीं होता। रुको, मैंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया। सो क्या बोलूँ आपको, छोटे छोटे चीजों में इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो बेलू के नीचे देख के मैं ऐसा लगा कि ये क्या है, बेलू तो पूरा ऑप्टिमस प्राइम है, नीचे कितना सारे चीजें हैं, बाप रे बाप। सो वो कुछ ऑयल नहीं है, वो एसी का पानी गिर रहा था, वो नॉर्मल है, पर पहले कभी नहीं गिरा, ऐसा क्यों? पता नहीं कुछ इंजीनियर ने बोला भाई सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कम्प्लीटली ओके है, दो दिन पहले सर्विसिंग हुआ है ना, तो एसी को क्लीन किया है एक्चुअली, उसके लिए शायद कुछ हो सकता है। Take the next left onto High Tech City Road, then make a U-turn. ठीक है, हमको पता है। तो उसी लिए मतलब प्रॉब्लम था। पर देखो अभी खाली था, हमने उधर से घूम के आए। मैं आपको एक चीज, क्या खाली था ये रास्ता, अभी देखो खाली है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, वो ये है कि नेक्सा जो है ना, नेक्सा सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और उनका बिहेवियर सब चुपन ना बाबा एक कथा बोलते थे, उनका जो बिहेवियर है ना बहुत अच्छा है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसा नहीं करते कि भैया थोड़ा सा चाय पानी ऐसा नहीं करते। ये बहुत घटिया लगता है मुझे है, वो लो, चलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, एंड सब कुछ बहुत ही क्लीन रहता है, वो जगह बहुत अच्छा है। देखो ये कौन सा स्टोन है, काम तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं क्या क्या चीज़ लेके आई हूँ मेट्रो कैश एंड करी से। कुछ इस बार बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ लेके आई हूँ। ये तो आटा है, ये देखो, ये 120 का पैकेट था, ये मुझे बहुत यूज़ होता है, और गर्मी में ना सब टूट जाते हैं, तो ये लेके आई, रबर बैंड काटा बोलता है बंगाली में। अच्छा, ये सरसों का तेल, ये भी कच्ची घनी है, पर इमामी का तो नहीं मिला, ये वाला मिला, पता नहीं अच्छा होगा कि ख़राब, पर प्राइस तो इमामी से भी ज़्यादा ही लिया। और ये देखो, ये ना मैं कुछ बाथ टॉवल लेके आई हूँ, जो 99 में मिला था, दो अगर लेते तो 99, नहीं तो एक लेते तो 150 में, तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, तो ये मैं दो लेके आई हूँ। और ये देखो, इतने सारे पता नहीं चम्मच किस चीज़ से हमें फ्री में मिला है, किसके लिए ये मिला है ये पता नहीं है। अच्छा, ये और एक वैरायटी टॉवल की, ये देखो और भी चम्मच, इतने सारा चम्मच हो गया है। अच्छा, ये तो सनफ्लावर ऑयल, ये भी मुफ्त में मिला है, एक गरम मसाला। अच्छा, ये यूपी, और एक चिकन वाला भी लिया था ना, चिकन नूडल्स मैगी का, ये बचपन में मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। इधर देखते हैं, इसमें है नॉर्मल चावल, इसमें भी नॉर्मल चावल, इसमें भी नॉर्मल चावल, इसमें है मसूर, नहीं ये तुअर दाल है,
ये अनियन है, अनियन बहुत अच्छा रेड वाला एकदम मिला। और ये टमाटो है, धोना पड़ेगा। ये है मसूर की दाल, अच्छा क्वालिटी का है बहुत, मसूर की दाल। और ये है क्यूकम्बर, और ये है लाइजॉल, और इसके साथ एक हार्पिक। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और मेट्रो का बिल देखो, बिल देख के लगता है कि मतलब पूरा एग्ज़ाम का पेपर दे दिया है, कितना बड़ा सा बिल लेते हैं। और ये वाला मैं यहाँ पे प्लम नहीं सॉरी ये बनाना और वॉलनट केक लेके आई हूँ। मुझे बनाना वॉलनट केक बहुत पसंद है, और ये एक पैटिस काइंड ऑफ कुछ जो मुझे गर्म करके अभी देना पड़ेगा अनिर्वाण को। और इधर देखो, ऊपर दीदी आई थी, दीदी ने लेके गई है घर पे बनाया हुआ गरम गरम फ्रेश गुलाब जामुन, जो देख के अनिर्वाण का जीभ लक लकाई। और भी कुछ चीज़ें लेके आई हूँ मैं, ये देखो, ये बड़ा सा ये जो अनियन है ना वाइट कलर का, इसको मैं एक लोटस बनाऊँगी देखना, और नींबू, बस यही लेके आई हूँ। सो अभी लॉकडाउन मतलब वो थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा कम हो गया है ना, मैंने मतलब अगर मैं लास्ट साल की बात करूँ उससे, तो अभी बच्चे लोग फिर से मेरे घर में आने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आके ऐसे बोलते हैं मौनुषिता आंटी, मौनुषिता आपका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चलो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है, तो लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना, और प्रेयर करना मेरा इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाए। दवाई मेडिसिन चल रहा है, पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है मुझे, कभी आई लैशेज में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी इधर पे फंगल, क्या ये बर्न की वजह से हो गया यार मुझे, मतलब उस दिन तो पोटैटो डालना ही नहीं चाहिए था ऑयल पे, पर क्या करूँ, हो गया तो हो गया, कंट्रोल करना पड़ेगा आगे से। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।